नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी .com में। अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबरों का। पश्चिमी यूपी की 12 चीनी मिलों पर 626 करोड़ बकाया, भुगतान के इंतजार में 1.25 लाख किसान। विदेशी कंपनियां रक्षा क्षेत्र में कर सकेंगी 74% निवेश, सरकार ने बढ़ाई सीमा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसानों को आर्थिक आजादी देने वाला है विधेयक। ट्रंप पर पूर्व मॉडल ने लगाया यौन शोषण का आरोप, कहा टेनिस खेलने के दौरान की थी जबरदस्ती। हनी ट्रैप, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा सैन्य कर्मी गिरफ्तार, खुफिया तंत्र अलर्ट। 5 चीनियों ने किया भारत सरकार की वेबसाइटों पर साइबर अटैक, सभी भगोड़ा घोषित। कृषि बिल पर उबाल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर, तोमर को मिली जिम्मेदारी। बिहार को कोसी रेल महासेतु की सौगात, पीएम मोदी करेंगे 12 परियोजनाओं का उद्घाटन। हिंद महासागर में घुसा चीनी पोत, भारतीय नौसेना की निगरानी से घबरा कर लौटा। रेलवे जल्द ही व्यस्त स्टेशनों पर वसूलेगा यूजर्स चार्ज, महंगे हो जाएंगे टिकट। दुनिया भर में ठप रहा इंस्टाग्राम और फेसबुक, लोगों को लॉगिन करने में हुई परेशानी। जन्मदिन पर पीएम मोदी की खास अपील, 2 गज की दूरी बनाए रखे, यही है मेरा उपहार। कोरोना से जुड़े बीमा की बढ़ेगी अवधि, नए उत्पाद भी आएंगे, इडा ने दिया संकेत। जो बाइडेन ने कहा वैक्सीन और वैज्ञानिकों पर मुझे भरोसा है लेकिन ट्रंप पर नहीं। अगले साल 14 सितंबर तक सीलिंग में रहेंगे कृत्रिम घुटने के दाम, 3 दिन पहले खत्म हुई थी सीमा। तालिबान के चुंगल से आजाद हुआ अगवा भारतीय, स्वदेश लौटा। NLSIU के फैसले के खिलाफ 21 सितंबर को आदेश सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा IPS अधिकारियों का तबादला। 6 महीने बाद नवोदय व सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी, विशेष दिशा निर्देशों का किया जाएगा पालन। आयुर्वेद विशेषज्ञ PR कृष्ण कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com।